नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव। क्या लगता है, जिस तरह से एमएलसी का चुनाव हो रहा है और आप भी सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे, उम्मीद क्या है? उम्मीद जी, एनडीए का झंडा बुलंद है, जीत जाएगा एनडीए। 24 सीट एनडीए के खाते में ही आएगी। हाँ, 24 में 24 सीट आने की आशंका। एक बार लोकसभा का 2019 में चुनाव हुआ था ना, तो एनडीए चुनाव लड़े थे ना जी। पूरे बिहार में 40 सीट है, 40 में 39 सीट आ गया था। उसी तरह का नतीजा निकलने वाला है ये एमएलसी का जो चुनाव है। 24 सीट है ना, उसी तरह का नतीजा आएगा। हाँ, एक आध वो भूल से किसी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है आने वाला, क्योंकि विकास के लोग वोट करते हैं ना, और वो लोग जो कॉन्शस वोटर है, वोटर तो सब कॉन्शस है। ये इसमें विशेष बात यह है कि चुना हुआ प्रतिनिधि अपना चुना का प्रतिनिधि, इसमें काउंसलर है, इसमें पंचायत समिति का वार्ड सदस्य है, मुखिया है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, सब वोटर है। और जानता है ना कि अब से पूर्ववर्ती जो सरकारें थी ग्राउंड लेवल पर काम करता, मैं तो काउंसलर भी था, 7 वर्ष तक मैं काउंसलर था, पटना का डिप्टी मेयर भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम तो उस काल से जानते हैं कि पहले जो नीचे स्तर पर काम करने वाले, चाहे वार्ड के सदस्य हों या पंचायत के मुखिया हों या नगर परिषद के सदस्य हों या नगर निगम के सदस्य हों, सब लोगों को जो विकास के पैसे मिलते थे बहुत कम मिलते थे। अभी ये जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी 2014 के बाद, तो उसमें नगर के विकास के लिए भी पैसा कम था, उसको भी बढ़ा दिया, और पंचायत के विकास के लिए जो गांव का विकास हो उसको भी बढ़ा दिया। पहले मिलता था 5 लाख 10 लाख रुपया, बहुत मिल गया तो एक एक पंचायत में एक मुखिया को, और पहले इनडायरेक्ट पैसा मिलता था, केंद्र राज्य को देगा, राज्य जिला को देगा, जिला प्रखंड को देगा, प्रखंड फिर पंचायत में देगा। ये जो व्यवस्था थी उसमें भी सुधार किया है, और पहले 5-10 लाख में मिलता था। अब आज के दिन में अभी गांव से आते हो पता कर लेना, कोई पंचायत का अगर मुखिया मिल जाएगा तो अब 1 करोड़ रुपया हो गया है, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपया एक पंचायत के विकास के लिए एक साल में दे रही है। और हमें एमपी, हमको पूरे एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है 6 विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए जी। 5 करोड़ 6 विधानसभा क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर के 80 लाख रुपया एक विधानसभा क्षेत्र में मिलता है, और सीधे मुखिया को या वार्ड काउंसिलर को लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि मिलती है एक साल में अपने वार्ड का विकास के लिए और अपने पंचायत का विकास के लिए। तो ये सरकार की उपलब्धि बड़ी है, पंचायतों के अधिकार को जहाँ ताकत बढ़ाया है। ये जो विपक्ष वाले जो लोग बोल रहे हैं, 20-25 साल तक चुनाव नहीं हुआ था, ये चुनाव तो यही एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, भाजपा जनता दल यू का ज्वाइंट, तो चुनाव करवाया है और ताकत भी प्रदान किया है, शक्ति प्रदान किया है। पहले वार्ड सदस्य लोगों को कोई अधिकार नहीं था, चुन गए कोई अधिकारी नहीं है, उनको भी ताकत दिया। अब एक वार्ड का सदस्य अपने गांव में विकास का अधिकार रखता है, इसके लिए राशि उपलब्ध किया जा रहा है। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ ना, नली गली, अब तो हर इस बार में 7 निश्चय में ऐड कर दिया गया है कि कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां सौर ऊर्जा युक्त बिजली की उपलब्धता नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट, वो भी काम किया जाएगा। बहुत सारा काम हुआ है, नली गली पानी बिजली सब कुछ तो हो ही रहा है, तो अब भूल से नहीं ना जाएगा देने के लिए अपने वोट गड्ढा में। विपक्ष का देना मतलब गड्ढा में वोट देना, तो कोई नहीं देगा। सब मन बना लिया है कि हम वैसी सरकार को लाएंगे, वैसे सरकार को मदद करेंगे जो हमको ताकत दिया है, हमको विकास कराने का काम करा, तो विकास के आधार पर वोट मिलेगा। एनडीए के प्रत्याशी लोगों को इस बार मिल ही रहा होगा।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार प्रसार किए हैं और जनप्रतिनिधियों को लेकर के कहें कि सरकार के मौजूदा जो वर्तमान में सरकार है उनके अगुवाई में जो है जनप्रतिनिधियों को इज्जत नहीं दिया जाता है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। इस मामला को सदन में भी उठाया गया था जहां सत्ता पक्ष के कई जो है जनप्रतिनिधि इस बात को उठाए थे, विपक्ष की बात ही छोड़िए। अच्छा, तो विपक्ष क्या कहेगा कि हम हार जाएंगे? अब से तीन चार महीना हो रहा है ना, बाई इलेक्शन हुआ था दो असेंबली का, तो प्रचार में विपक्ष गया था ना धुआंधार प्रचार में, नतीजा क्या हुआ? औंधे मुंहे विपक्ष गिर गया, रिजल्ट के बाद फिर औंधे मुंहे गिरेगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों का जहां सम्मान है, गलत बोलता है विपक्ष, जनप्रतिनिधियों का जहां शक्ति प्रदत्त की गई है, विकास कराने का माध्यम बनाया गया है, वहीं उनके इज्जत और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का हर उपाय किया गया है और हो रहा है। आप भी जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं, आपकी बात को सुनते हैं अधिकारी, मानते हैं? अरे नहीं सुनेगा, कोई भी जायज काम के लिए सुनेगा, अब नाजायज काम के लिए कहेगा तो सुनेगा? जो नजायज काम कराने वाले लोग हैं, जिनका दाल कभी गलता था अभी नहीं गल रहा है, वैसे लोगों को तकलीफ है। 12 अप्रैल को बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, मुकेश सहनी एक तरफ मोर्चा खुले हुए हैं, दलित और महादलित की वहाँ पे लड़ाई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या परिणाम इसका क्या निकलेगा? देखिए NDA जो है ना, चाहे राज्य में काम कर रहा हो या केंद्र में काम कर रहा हो, वो सबका विकास किया है, सभी वर्ग सभी तबका के लोगों का, बिना कोई भेदभाव के। और काम के आधार पर अभी पिछले दिनों जो 4 राज्य में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश सहित मणिपुर और उत्तराखंड और गोवा, सब जगह NDA का झंडा फहराया ना, भारतीय जनता पार्टी का और NDA का, तो काम के आधार पर ना लोग अपना प्रतिनिधि और सरकार बनाता है, चुनता है, तो हमने काम किया है तो निश्चित तौर पर उसका इनाम मिलेगा ना। पहले आवास योजना में पैसा मिलता था 75,000 रुपया, अब मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। एक दो काम, हम कितना काम बताएं आपको, गिनाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए सभी लोग विकास के लिए NDA को पसंद किया है, और इस बार भी जो चुनाव हो रहा है 24 जगहों का, विधान परिषद के जो प्रतिनिधिगण अपने लोगों को चुनने का काम करेंगे अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो सब लोग समझदार लोग हैं और जो काम किया उसको इनाम देगा। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, धन्यवाद।